स्तुति करते हैं। देखो ये जो स्तुति है ना, इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मन देखकर सुनो, इसमें इतने शक्ति है, अगर ये स्तुति को कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार कोई पढ़े, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देती है। ये स्तुति में इतनी शक्ति, इसलिए इसका नाम राधा कृपा कटाक्ष, मतलब जिसको पढ़ने से राधा रानी की उसको ऊपर में जरूर कृपा कटाक्ष होगी। बड़ा सुंदर, मैं उसका दो लाइन पढ़ता हूँ। राधा रानी को ले जाओ, बोल राधा रानी को ले जाओ। एक काम कर सकते हो, थोड़ा फूल हाथ में, थोड़ा फूल ले लो, जब राधा रानी आएंगे थोड़ी सी फूल उनको भर देना, थोड़ा सा फूल सबका हाथ में ले दो, फूल है सबका हाथ में, थोड़ा फूल दे दो, जब राधा रानी आएगी उनको थोड़ी सी फूल राधा रानी को भर देना, ठीक है। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलना, भले मोन वृंद वृंद बंदी आया त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज निकोज भूमि गासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी त्रयेन्द्र सुन सजते बरागरी सती हम कृपा कटाक्ष भजन अशोक वृक्ष बलरी निशान मंत और राधा रानी की आरती फल प्रसाद लेके जाना, उसको पहले कोई नहीं करना, ले आओ चार दो चार ले। बोलो बोलो रानी वाली, बोलो राधा रानी जय जय श्री राम। बोलो राधा रानी को भयो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सब, आज देखो सुना, अभी राधा रानी जन्म ली ना, राधा रानी ये सर्व लक्ष्मी मई, अगर कोई राधा रानी की बधाई में नाचे ना, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है।
घर में खूब रुपया पैसा आएगी जो राधा रानी की बधाई में कीर्तन गाएगी। इसलिए सबके सब राधा रानी की बधाई में नाचते कूदते हुए सबके से उगाना। राधा रानी को भयो अवतार बधाई बाज रही, राधा रानी को भयो अवतार बधाई बाज रही, 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 रानी को भयो अवतार बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, सहराई बाज रही, बधाई बाज रही, सहराई बाज रही। राधा रानी के जन्मोत्सव में जो नाचेगा घर में राधा रानी की कृपा मतलब लक्ष्मी खूब आएगी। ये मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी है। सब जैसे हाथ उठा करके नाचते भाई राधा राधा।